बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम उड़द दाल ली है मैंने, जीरा, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, हींग। सबसे पहले मैंने रात पूरी भिगो के रखी हुई थी दाल, ओवरनाइट सोक है, तो इसको सबसे पहले हम बीट करेंगे। मैंने अच्छे से वॉश कर लिया दाल को, इसको मिक्सी जार में डाल के बीट करना है। दाल मैंने इसमें डाल लिया, इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी क्योंकि मिक्सी में इसको बीट करना है तो पानी डालना पड़ेगा। इसी के साथ मैं इसमें हींग भी डाल दूँगी और नमक भी ऐड कर दूंगी। अब हम इसको बीट कर लेंगे। अब ये हमारा एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया, इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी, नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, अब इसमें मैं जीरा डालूँगी 1 चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। इसको भी अच्छे से मिक्स करके मेरे को इसको 10-15 मिनट्स इसको फेंट लूँगी। इसको मैं एक ही डायरेक्शन में फेंटूँगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं फेंटना, एक ही डायरेक्शन में फेंटते रहना बस। मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको फेंटते हुए, अब ये बिल्कुल रेडी है तलने के लिए। मैंने स्टफ़ भल्ले बनाने हैं इसलिए मैं इसके ऊपर बनाऊंगी पॉलिथीन के ऊपर। सबसे पहले मैं इसके ऊपर पानी लगा के इसको गीला कर लूँगी, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा बैटर उठाएंगे, इसके अंदर मैं 2-3 दाने किशमिश और थोड़े से बादाम डालकर इसको फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसको गैस मैंने पहले ही तेल गरम कर लिया था अच्छे से, मैंने इसमें भल्ले डाल दिए हैं सारे। इसको पहले हमें ऑयल को पूरा गरम करके उसके बाद मीडियम लो फ्लेम पे बनाने हैं, नहीं तो अगर फुल पे बनाएंगे तो भल्ले जल जाएंगे नहीं तो ना। एकदम फूल फूल के बनते हैं। अब जी हमारे भल्ले तैयार हो गए हैं एकदम, इनको बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, ये है कि हल्के गोल्डन करने हैं बस। इनको अब मैं बाहर निकाल लूँगी। दही भल्ले बनाने के लिए अब मैं इनको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखूँगी। इनको अच्छे से पानी में कर देना है ताकि ये सारे पानी में अच्छे से सोक हो जाएं, या आधे घंटे के लिए पड़े रहेंगे उसके बाद हम इनको बाहर निकाल लेंगे। आधा घंटा हो गया इनको भिगोए हुए, अब मैं इनको पानी में से निकाल कर बाहर निकाल लूँगी।
आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके।